अरुणाचल प्रदेश की धरती इन दिनों उत्सव के रंगों में रंगी हुई है। यहाँ आदिवासी समुदाय का सबसे बड़ा न्योकुम उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें लोक कलाकारों ने अपनी समृद्ध विरासत दुनिया को दिखाई। न्योकुम शब्द का मतलब होता है धरती पर एकजुटता। इस दिन ये सभी आदिवासी अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं और जाने अनजाने हुए भूल चूक के लिए माफी की प्रार्थना करते हैं। संस्कृति और लोक कला के रंगों से सजा अरुणाचल प्रदेश का ये उत्सव अपने आप में बेहद खास है। ये धरती पर एकजुटता का महाउत्सव है, जिसे वहाँ के लोग न्योकुम के नाम से जानते हैं। इसमें शामिल कलाकारों ने पारंपरिक वेशभूषा में लोक नृत्य पेश किया। असम में न्योकुम अरुणाचल प्रदेश में नीशी समुदाय की तरफ से मनाए जाने वाला बड़ा उत्सव है। इसी उत्सव के दौरान ये लोग प्रकृति और अपने ईश्वर की पूजा करते हैं, साथ ही अनजाने में हुई भूल चूक के लिए माफी भी मांगते हैं। अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से ये मेला तेजी से लोकप्रिय होता जा रहा है। इस बार यहाँ सबसे ज्यादा सुर्खियों में खास तरह के सेल्फी प्वाइंट रहे, जहाँ युवाओं की टोली सेल्फी खिंचवाने के लिए बेताब नजर आई। इसी महोत्सव में लोक कलाकारों ने अपनी सुरीली आवाज से समा भी बांधा। वहाँ नाच गाने के बीच पारंपरिक टोपी ने भी लोगों के दिलों में खास जगह बनाई, जो मेजबान से लेकर मेहमानों के सर पर सजी हुई थी। इस मेले में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जाहिर है, इस तरह के आयोजन से लोगों को अपनी जड़ों से जुड़ने का भी संदेश मिलता है। अरुणाचल प्रदेश के पम्पम मुपारे से युवराज मेहता, गुड न्यूज़ टुडे।